बच्चों आज हम देखते हैं क्लास टेंथ का एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट देखते हैं। निकालना क्या है, यानी फर्स्ट फोर्थ टर्म निकालना है एपी का। तो एपी का फॉर्म क्या होता है बच्चों, एपी का फॉर्म जो होता है यानी इसे लिख सकते हैं, यानी ए कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री कॉमा ए फोर देन डैश डैश डैश। तो ए को हम ए वन एम लिख सकते हैं, कॉमा ए टू को क्या लिख सकते हैं ए प्लस डी लिख सकते हैं, कॉमा ए थ्री को क्या लिख सकते हैं बच्चों ए प्लस टू डी लिख सकते हैं, देन ए फोर को क्या लिख सकते हैं बच्चों ए प्लस थ्री डी लिख सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ए वन क्या दे रखा है बच्चों, ए वन तो हमारे पास यानी माइनस का वन ही है, राइट। देन ए टू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो ए टू को क्या लिख सकते हैं ए प्लस डी, देन ए टू इज इक्वल टू ए क्या है बच्चों माइनस वन प्लस है, तो प्लस डी की वैल्यू क्या है वन बाय टू, राइट। तो वन के नीचे कुछ नहीं है माइनस वन के, तो इसके नीचे माइनस वन सॉरी वन लेट कर लेते। तो अब देखिए वन को और टू को एलसीएम करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर वाले का एलसीएम करते वन और टू का एलसीएम करेंगे टू आएगा, और डिनोमिनेटर से डिवाइड देते जो एलसीएम है, तो वन को टू से डिवाइड देंगे क्या आएगा टू आएगा, टू को मल्टीप्लाई माइनस वन में करेंगे तो माइनस का टू प्लस है, तो प्लस टू से टू को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वन, और वन को मल्टीप्लाई वन से करेंगे क्या आएगा वन। अगेन इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और माइनस क्या करते हैं ग्रेटर वाले वैल्यू में से स्मॉल को करते, तो ग्रेटर क्या है टू, टू में से वन को करेंगे वन आएगा, किस में से माइनस करा है टू में से, टू के आगे क्या है माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस आएगा तो माइनस वन बाय टू आ जाएगा। आइए ए थ्री फाइंड करते हैं, तो ए थ्री को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों ए प्लस टू डी, देन ए थ्री इज इक्वल टू ए क्या है बच्चों माइनस का वन है प्लस टू मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है बच्चों वन बाय टू है। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में, तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन यानी ए थ्री इज इक्वल टू माइनस का वन, और ये प्लस है तो प्लस वन, तो वन में से वन जाएगा क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, तो ए थ्री की वैल्यू क्या आएगा बच्चों जीरो आ गया। देन ए फोर्थ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो ए फोर्थ को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस थ्री डी, देन ए फोर इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है माइनस वन प्लस थ्री मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है बच्चों वन बाय टू है। अगेन सॉल्व करते हैं ए फोर्थ को, तो माइनस वन के नीचे कुछ नहीं तो वन आ जाएगा, प्लस है तो प्लस थ्री मल्टीप्लाई वन करेंगे थ्री अपॉन में टू, डिनोमिनेटर का एलसीएम वन और टू का एलसीएम करते क्या आ जाएगा बच्चों टू आ जाएगा। तो देखिए डिनोमिनेटर वाले से डिवाइड देंगे, यानी वन से टू को डिवाइड देंगे कितना आएगा टू, और टू को मल्टीप्लाई माइनस वन में करेंगे तो माइनस का टू प्लस है, तो प्लस टू से टू को डिवाइड देंगे वन आएगा, और वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा थ्री आएगा। तो अगेन सॉल्व करते तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है बच्चों, तो माइनस कैसे करते हैं ग्रेटर वाले वैल्यू में से स्मॉल को करते हैं, तो देखिए ग्रेटर क्या है थ्री में से टू जाएगा वन आएगा, और ये किस में से माइनस कर रहा है थ्री में से, तो थ्री क्या पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन लगाने की जरूरत नहीं है, जब प्लस का आता है तो साइन कंपलसरी नहीं होता, वो ऑलरेडी प्लस का होता है, लेकिन माइनस का आता है तो माइनस साइन लगाना कंपलसरी होता है, तो ये क्या आ जाएगा वन बाय टू आएगा। तो देखिए एपी का फॉर्म क्या बन गया बच्चों, फर्स्ट हमारे पास क्या था ए ए वन माइनस का वन कॉमा ए टू क्या आ गया था माइनस वन बाय टू आ गया, और ए थ्री क्या आ गया बच्चों यानी जीरो, और कॉमा ए फोर्थ क्या आ गया बच्चों वन बाय टू आ गया, राइट। तो ये एक एपी